मंजिलें वही प्राप्त करते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हैं, और वही हिम्मत सुरेंद्र पाल जोशी जी के पास है जिन्होंने उत्तराखंड से चलकर राजस्थान में अपना लंबा सफर तय किया। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जब इनका हौसला मैंने देखा, जब इनका जोश मुझे नजर आया, तो मुझे एक शेर याद आया कि भीड़ का साथ निभाने की जरूरत क्या है, ये तो पत्थर है मनाने की जरूरत क्या है। भीड़ का साथ निभाने की जरूरत क्या है, ये तो पत्थर है मनाने की जरूरत क्या है। अपने कदमों पे भरोसा तो करो हमदम, साथ चलने को जमाने की जरूरत क्या है। तो इसलिए हम इनके कदमों के साथ अपने कदम मिला के चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि अगर आपको अपना परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? बस तैयारी करते हैं यार। देखिए, परिचय तो ये है कि मैं बिल्कुल साधारण मामूली इंसान हूँ। मुझे जैसे किसान को सिर्फ हल चलाना आता है, ऐसी मुझे उस लाइनें उकेरने का शौक था, और वो करते करते ये है। तो मेरी तुलना अगर एक किसान से आप करेंगे तो ज़्यादा रहेगी, जैसे वो अपना काम कर रहा वैसे मैं अपना काम कर रहा। सुरेंद्र जी, हर परिवार के लोगों की, हर युवा की, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्यवसायी बने, आप चित्रकार बने जी। ये कब और कैसे दिमाग में आया, और कैसे आपकी जो चित्रकला की यात्रा है वो कैसे शुरू हुई? हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प वाकया है। मेरी, मेरे से बड़ी 5 बहनें हैं घर में, और मैं सबसे छोटा था, और मेरे फादर जो है वो आर्मी ऑफिसर थे रिटायर्ड। तो हमारा लीची आम के पेड़ बगीचा खूब हुआ करते थे गांव में। तो उस शाम क्या करते थे, दोपहर में पेड़ की छाया के नीचे आराम चेयर पे लेट जाते थे, और बहनें जो उनके कोई सफ़ेद बाल निकालती थी, कोई मालिश करती थी, और मैं भी अपने नंबर की इंतजार करता था कि मैं भी कुछ करूँ। तो मुझे कहते थे तू यहाँ खड़ा क्यों है, सामने वो गाय गौशाला में गाय बंधी ना, जा उसकी फ़ोटो बना के। तो मैं उस वक्त रहा हूँ 6 साल का, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। दौड़ा वगैरह कागज़ का टुकड़ा उठाया, जो भी जैसा भी समय जो बनता है बच्चों से बन के मैंने दिखाया। तो मुझे पहली बार पता लगा कि उनको ये एहसास था कि मेरा मन इन चीज़ों में रमता है। तो मुझे उन्होंने वही काम दिया, और शायद वो पहले इंसान होंगे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे ये थोड़ा सा एहसास दिलाया। और उसके बाद तो मैं धीरे धीरे बहनों ने क्या किया कि घर में परिवार में बोल दिया कि भैया आर्ट अच्छी बनाता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं स्कूल में जब जाने लगा, तो स्कूल जाने लगा तो कमज़ोर तो था ही पढ़ाई में, तो टीचर्स वगैरह डांटते डांटते उनको मुझ पर दया आ जाती कि पता था चलो ठीक है तू तो आर्ट ही करते थे तो ये था। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, तो जो पढ़ाई में मैं भी रहा हूँ कमजोर, राजमंच में आपके साथ बैठा हूँ, ये सौभाग्य की बात है। जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो कला में एक्सपर्ट क्यों होते हैं? मेरी कभी बहुत पहले किसी एक डॉक्टर से बात हुई थी काफी साल पहले, उन्होंने कहा कि जो लोग इमेजिनेटिव होते हैं उनका लेफ्ट माइंड बहुत तेज काम करता है, और जो कन्वेंशनल पढ़ाई में होशियार होते हैं उनका राइट माइंड काम करता है बहुत तेज। आपकी कला के जो यात्रा है, कला यात्रा है, उसमें परिवार के लोगों की यादें, आपके दोस्तों की यादें, क्या यादें आपको महसूस होती हैं आज इस पड़ाव पर? यादें तो यही है, यही रहती हैं कि भाई हम सब लोग एक साथ फसल के तौर पे खड़े हुए थे, और उसमें कोई पौधा थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर जाता है, कोई कम ग्रो कर जाता है, और ये एहसास रहना चाहिए। और ये एहसास तभी आता है जब आपको ये लगता है कि इतने साल निकल गए, इतनी ज़िंदगी निकल गई,
और आप ठूंठ की तरह खड़े हैं, उस आगे बढ़ ही रहे हैं। तो वो जो बेचैनी है ना, जो आदमी यहाँ आग पाल के चलता है ना यहाँ, वो आगे बढ़ेगा। बहुत खूब, जो दिल में आग रखता है वो बहुत आगे जाएगा। एक आपका वाक्य मुझे याद आ रहा है कि जब आपकी पहली एग्जीबिशन लगी थी शायद, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कोई किस्सा है। पहली एग्जीबिशन पहली आपने कहाँ लगाई, कैसे लगी, उसके पीछे क्या वाक्य रहा है? बड़ी तैयारी करते हैं, मुझे याद करना पड़ेगा। हुआ ये था कि मैं 1980 में मैंने एडमिशन लिया था लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में, और जब ईयर का एंड होता है, एनुअल एग्जीबिशन आने को होती है, उससे में मुझे लगा कि मेरे दोस्तों ने तो 5-10 पेंटिंग बनाई पूरे साल भर में, मैंने तब तक 35-36 बना ली थी, तो छोटे छोटे बनाए थे। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इसकी एग्जीबिशन लगाऊं, और वो ज़माना ऐसा था जब गुरु लोगों की इजाज़त नहीं होती थी एग्जीबिशन लगाने की। पहले गुरु लोग का ये था कि भैया पहले कुछ रियाज करो, कुछ पको, कुछ अनुभव लो, तब प्रदर्शनी की सोचना, प्रदर्शनी तो जिंदगी भरी लगती रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने चूंकि अंदर, मैंने बताया ना आपसे कि थोड़ी सी अंदर धड़क रहा था कुछ मामला, मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगानी तो है, ये मैं गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे कोई क्यों डांटेगा या मुझे मेरा नुकसान कोई क्यों करेगा, अगर अच्छी नहीं लगेगा तो मुझे डांट दें, अच्छी लगी तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वहाँ मैंने क्या किया कि मैं ललित कला अकेडमी में गया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि साहब मैं प्रदर्शन लगाना चाहता हूँ, उन्होंने भी भगा दिया, उन्होंने क्या काम करो, अभी फर्स्ट ईयर में आया, अभी एग्जीबिशन लगाओगे क्या। तो फिर मैंने सोचता रहा, नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मैंने जैसे वहाँ पर हज़रतगंज एक एरिया है लखनऊ का, मेन बाज़ार जो है, वहाँ पर एक चर्च है बहुत बड़ा, और चर्च वालों का आप जानते हैं मामला, कि वो लोग बहुत बहुत पवित्रता के साथ सारे काम करते थे, नीट एंड क्लीन। उनकी जो रेलिंग थी भारत सड़क किनारे, लोहे की रेलिंग थी, सात सात आठ आठ फीट के रॉड्स लगी हुई थी, आयरन रॉड लगी थी। तो मुझे लगा यार ये तो एकेडमी गैलरी से ज़्यादा अच्छी तो मुझे ये लग रही है। और मैंने वहाँ किसी से बात की, और अगले दिन वहाँ पर अपने चित्र टांगने शुरू कर दिए उन रेलिंग पे, सड़क के ऊपर सड़क, लोग चल रहे हैं, किनारे पे रेलिंग है, क्योंकि चर्च है, मामला बहुत साफ सुथरा, पवित्र सुगंधित मंगा मामला है, तो वहाँ कोई जरा सा भी न्यूसेंस कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैंने फिर कॉलेज में जाके अपने प्रिंसिपल साहब जो थे हमारे, रणवीर सिंह बिष्ट जी, भवानी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बहुत मिलने वाले थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, मैंने कहा सर एक बार आप आ जाएंगे तो शुभारंभ हो जाएगा, उद्घाटन करने की फॉर्मेलिटी में मत आप रहिएगा अगर आपको संकोच है तो, लेकिन आपका आना जरूरी है। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आऊँगा। फिर मैंने दूसरे दो तीन टीचर से बात की, मेरे पास इन्विटेशन देने के लिए पैसे तो होते नहीं थे, माँ मेरी स्कूल टीचर थी तो उनके 250 रुपये वो भेजती थी, जो मुझे टाइम पर कभी मिलते नहीं थे, देर से मिलते थे। तो मैंने जो है ब्राउन पेपर जो होता है जिल्द का कागज़ था, जो किताबों में लगता था पहले, अब तो खैर नहीं लगता, तो उसके टुकड़े की कैंची से काट के छोटे छोटे 4-4, 6-6 इंच के, और उस पर लिखा कि आप सादर आमंत्रित हैं, और वो कागज़ के टुकड़े लेकर अपने प्रोफेसर साहब को दिए कि सर कल आपको आना है। उन्होंने दो तीन लोगों ने पूड़ियाँ बनाई और उसको वहीं कहीं डाल दिया। तो लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ, मैंने कहा इतने बड़े लोग हैं, गुरु लोग हैं, इतना अधिकार तो गुरु का होता ही है, उससे भी आपने काफ़ी कुछ सीखा। तो अगले दिन फिर जब वो प्रदर्शनी का टाइम आया, और साइमल्टेनियसली देहरादून में छोटे शहर में मेरी जो माँ थी वो रिटायर्ड हो गई थी स्कूल से, चूँकि बेटा मैं अकेला था, तो उनके आसपास की जो महिलाएँ सहेलियाँ थी वो कहती थी कि तुम्हारी तो मति गौर आ गई, इस उम्र में बेटे को भेजा भी तो उस शहर में भेजा, अवध शहर में, कि जहाँ से ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं लोग। और जो है रात में 9 बजे की बात चल रही थी, और ठीक 9 बजे सुमित्रा नंदन पांडे के समाचार आया करते थे उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो से, और उस समाचार में आया था कि देहरादून का युवा तरुण चित्रकार की आज प्रदर्शनी हुई हजरतगंज में, और वो खबर उन्होंने रेडियो पे वहाँ बैठ के सुनी।
ये वाक्या था। एक काट होते लोग जी आपकी सीरीज रही है, उसके पीछे भी कोई वाक्य है? हाँ, उसके पीछे भी वाक्य है। वाक्य ये है कि मैं लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट का जो हॉस्टल था, हॉस्टल अलॉट करवाया था मैंने अपने नाम से, लेकिन मैं उसमें रहता कभी नहीं था क्योंकि उस ज़माने में रैगिंग बहुत हुआ करती थी। तो जो जूनियर बच्चे होते थे उनसे रात रात में फिल्म देख के सीनियर लड़के आते थे और अपने पैर वैर दबवाते थे, मालिश करवाते थे। तो मैंने हॉस्टल में रहा ही नहीं, हॉस्टल में तो मैंने किराए का एक छोटा सा रसोई खरीदी थी, रसोई होती है तो किचन, रिटायर्ड किचन, उसमें मैंने अपना जमा लिया था मामला, सोने का भी काम करने का भी। तो हुआ ये कि मैं वहाँ बगल में एक ढाबा था, तो ढाबा जो है वो 60 रुपये महीने के खाने के लेता था। मैंने वहाँ जाके कहा कि काका मैं भी खाना चाहता हूँ कल से। उसने कहा ठीक है आ जाना। जब एक महीना पूरा हो गया अब पैसे देने का टाइम आया तो खाना खाने गया तो उन्होंने सबसे पैसे मांग रहा था, वो मेरी तरफ भी इशारा किया। अब मैं डर गया कि अब आज थोड़ी बेइज्जती होगी, पैसे है नहीं जेब में, फिर पैसे टाइम पे खाते नहीं थे, लेट हो जाते थे। तो मैंने उसी समय हिम्मत करके कच्चा ढाबा था पूरा मिट्टी का लिपा हुआ, तो कोयला उठाया उसकी भट्टी में से, कोयले से उसका एक बड़ा सा 3-4 फीट का बड़ा पोर्ट दीवार पर बनाया। सारे जो मजदूर खाना खा रहे थे, आमतौर पर वहाँ छोटी क्लास के लोग आते थे खाना खाने, तो सब लोग जो है अपना खाना छोड़ के वो चित्र देखने लगे। और जो मालिक था ढाबा, उसको काका बोलते थे, उसने देखा तो बहुत इतना खुश हुआ, उसने मुझसे 60 रुपये नहीं लिए, उसने कोई बात नहीं, और मेरा एक महीने का काम चल गया सही। उसके बाद फिर दूसरा महीना आया, दूसरे महीने फिर मेरे साथ वही समस्या ही, पैसे तो इसको। फिर मैं उसके घर के आसपास का लैंडस्केप वाटर कलर में बनाया और फिर वो उनको पकड़ाया, तो उसने कहा कि अरे ये क्या है इसमें, तो ये हमारा घर है क्या? कहा आपका घर भी नहीं, पीछे भैंस है आपकी खड़ी है उनका। तो वो महीना भी चल गया मेरा काम से। अब जब तीसरा महीना आया फिर मैंने हिम्मत, मुझमें भी नहीं, मैं भी मतलब मुझे भी शर्म आने लगी। मैं गया, उसने कहा, मैंने कहा काका एक पेंटिंग और है मेरे पास। उसने कहा बेटे देखो दाल रोटी जो है पेंटिंग से नहीं आएगी, वो तो पैसे से ही आएगी। तो जो है तो मैंने कहा अच्छा मैं 2 दिन बाद आपको दे जाऊँगा। तो ये था। तो ठीक उसी समय, उसी दिन 2-3 दिन के बीच में क्या हुआ, वो हाईवे पे ढाबा था और वो जो ठेले वाले होते ना ठेला रेडी वाले, वो दौड़ के क्रॉस करके खाना खाने के लिए ढाबे में आ रहा था। किसी से ट्रक आया, ट्रक ने पूरा ठोक दिया उसको, और वो ठेला उसका उछला एक तरफ, उसका एक पहिया टूट के गिरा एक तरफ, और वो बेचारा उछल के दूसरी तरफ गिरा, लेकिन वो बच गया मरने से। लोगों ने उसको उठाया, पानी पिलाया, उसमें लाया, ये किया वो किया। अब उस हादसे, उस समय फिगरेटिव काम करता था मैं ड्राइंग बहुत करता था, उसी समय मैंने पढ़ाई के द्वारा 5-6 हज़ार ड्राइंग की होगी। तो जब उसको देखा मेरा दिमाग खराब गया, मैं खाना भूल गया, कई दिन तक दिमाग में मेरे घूमता रहा। तो फिर मैंने एक सीरीज के नाम सीरीज बनाई, कार्ड होते हुए लोग, ऐसे लोग जो बेचारे लकड़ी में, सूखी लकड़ी में तब्दील हो रहे हैं, उनकी लाइफ ही यही है। हाँ, तो उस पर मैंने पूरी सीरीज बनाई थी 30-35 वर्ष की, जिसमें से मेरे पास आज सिर्फ 2 काम मैंने बहुत मुश्किल बचा रखे हैं, बाकी सब इधर उधर कहीं चले गए, सेल हो गए जो है। जोशी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पेंटिंग से पेट नहीं भरता, पैसा नहीं आता, लेकिन आपने एज ए प्रोफेशन इसी चीज को अपनाया। तो मैंने इसलिए अपनाया कि मैं बचपन से मतलब मैं 12th में था तो मैंने वैन गॉग को पढ़ लिया था, पिकासो को पढ़ लिया था, दोनों में बहुत ज़बरदस्त चेंज था। पिकासो सुपरस्टार था, वैन गॉग बेचारा जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार था, जिसको अपने न रोटी की परवाह, न कपड़े की परवाह, किसी न अपनी प्रेमिका की परवाह, न पत्नी की परवाह, सिर्फ कला के लिए समर्पित था वो। और उसकी तो ऐसी ऐसी स्टोरी है जो पिकासो के पास भी नहीं है। तो दोनों को जब मैंने पढ़ा तो मैं
मैं सोचता था कि या कि मेरे सामने दो आर्टिस्ट है, एक पिकासो है, एक ये है, और दोनों महान हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। पिकासो भी जब चलता था पेरिस की सड़कों पे, तो राष्ट्रपति के चलने के समय इतनी पब्लिक नहीं होती थी जितनी पिकासो के टाइम पर होती थी, लाठी चार्ज होता था उस जमाने में। तो पिकासो ने वो एक आइकनोग्राफी वो क्रिएट की थी। तो ये दोनों पढ़ते हुए तो मुझे लगा कि यार मेरी बूढ़ी माँ है जिसको कोई सुख मिला नहीं। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पिताजी चले गए थे छोड़ के, उसने हम 6 भाई बहनों को पढ़ाया है, अब मैं इनको और तकलीफ दूंगा तो इनको तो तकलीफ पड़ जाएगी। तो मैंने उसी समय 10th 12th में था, मैं रामलीलाओं के पर्दे बनाने शुरू कर दिए थे। मैं राम सीता जंगल जा रहे हैं, हिरन भी पीछे पीछे है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। साइन बोर्ड बनाए मैंने काफ़ी, जो सड़कों पे लगते हैं वो भी बनाए मैंने। इसलिए बनाए कि मैं हुसैन साहब का मैं बड़ा फैन था और हुसैन साहब से मेरे 30 साल से संबंध रहे। जब वो कतर में थे मैं उनके घर रुकता था, दुबई में जब एग्जाइल में थे तब मैं उनके घर पे रुकता था, मुझे बाहर होटल में रुकने नहीं देते थे मुझे। तो उन्होंने मुझे शिष्य माना नहीं माना मुझे नहीं पता, मैंने तो उनको गुरु माना था। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ पहाड़ियाँ और राजस्थान का तपता रेगिस्तान, आपकी जो स्थायी यात्रा है वो राजस्थान में, काफी वर्षों से हैं आप राजस्थान में, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान की यात्रा के बारे में बताएं। देखिए, उत्तराखंड में जब मैं था, जब मैं बीए में पहुंचा, बीए आप सोचिएगा, यानी बीए करने के बाद में फाइन आर्ट्स में आया था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कुछ। तो मेरी जो प्रोफेसर थी बीए की, जो हेड थी, मैंने उनसे कहा, वो बहुत खुश होती थी क्योंकि वो दिन में वो मुझे पढ़ाती थी और शाम को मैं उनको पढ़ाने आर्ट पेंटिंग सिखाने जाता था। तो हमारे रिलेशनशिप, वो मेरी गुरु थी। लेकिन मैंने पूछा नहीं था कि मैडम हर्षवंती मिश्र उनका नाम है, जिन्होंने नंदा पीक क्लाइंब किया था, उसने और ये क्षेत्रीपाल कहते हैं विजेंद्रीपाल, हाँ, ये तीन लोगों का ग्रुप था महिलाओं का, जो बहुत बहुत लीडिंग ले जाए। तो मैंने कहा कि मैंने मैडम ऐसी भाई ये मॉडर्न आर्ट होती क्या, पिकासो देखिए ही ज़्यादा पढ़ रहा था, समझ में नहीं आता था। तो ये क्या, उसने कहा कि जोशी जी नहीं, उन्होंने कहा सुरेंद्र जो समझ में नहीं आया वो मॉडर्न आर्ट है। अब मेरा तो दिमाग और बंद हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ लखनऊ पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा हूँ, इन्होंने कह दिया जो समझ में नहीं हुआ है। तो लेकिन जब मैंने वहाँ से पढ़ाई पूरी की, 3 साल तक तो मेरी समझ में यही नहीं आया कि मुझे तो आर्ट जो अच्छी लगती, जैसे आम आदमी बोलता ना यार ये कुछ समझ में तो आ रहा है ना, यही आर्ट है। और 3 साल जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि यार इसको कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं, अप्रिशिएट तो करता है वो जो ऑफ बीट जो काम हो रहा है उनको किया जाता है। तो मैंने वहीं से मेरे दिमाग में एक शुरुआत हो गई थी। और जब मुझे फेलोशिप ललित कला अकादमी ने दी 2 साल की, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जयपुर जाके काम करना चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उन्होंने कहा क्यों जयपुर में, ऐसा क्या है, आप तो देहरादून के हैं, लखनऊ के हैं, आप यहीं कीजिए ना, यहाँ की विरासत कितनी स्ट्रांग है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि सत्यजीत रे की सोनार किला में देख चुका था, हुसैन साहब की थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर फिल्म में देख चुका था, दोनों यहीं बनी थी। और मुझे लगा हिंदुस्तान का अगर कोई पेरिस है तो वो है राजस्थान। और मैं सीधे वहाँ से अपना होल्ड ऑल बैग, अपना चप्पल फटा झोला उठाया, मैं सीधे यहाँ आ गया बस। और यहाँ आके मेरी जो दृष्टि जो मुझे मिली आर्ट की, वो मुझे जयपुर में राजस्थान में मिली। मैंने जो कुछ भी पढ़ाई के बाद जो सीखा, जो पढ़ाई तो एक फॉर्मल है वो थी, उसके बाद जो सीखा वो सब क्या सीखा, और सीखा नहीं रोज़ सीख रहा हूँ। और बताऊँ मैं, बच्चों से मुझे बहुत सीखने को मिलता है मुझे। मैंने जब आर्ट्स कॉलेज छोड़ा था तो मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि बच्चे मुझसे छूट रहे थे, लेकिन मुझे भास्कर वालों ने पूछा कि आप अच्छे आर्टिस्ट अच्छे टीचर थे, आपने कॉलेज क्यों छोड़ा, आपने आपको तो वहाँ रहना चाहिए था। तो मैंने कहा मेरी वहाँ ग्रोथ ख़त्म हो गई थी वहाँ पर, कि क्या मतलब
मैंने कहा जो मुझे आता था वो मेरा मैं खत्म हो गया था, मेरे पास नया बताने कुछ था नहीं। और जब विदेशों के निमंत्रण मिलते थे तो सरकार उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर डाल देती थी, जाने नहीं देती थी, तो फिर मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि जोशी जी, आपकी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है या बच्चों की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, आपको बच्चों के लिए रहना चाहिए था। तो मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, जिस माँ बाप की ग्रोथ नहीं है, जिस टीचर की अपनी ग्रोथ नहीं है, उनके बच्चों की भी ग्रोथ नहीं है। और मुझसे बेहतर मुझे वहाँ के अकाउंट्स वालों ने, प्रिंसिपल ने, मेरे और शुभ चिंतक दोस्तों ने कहा जोशी जी 4-5 साल की तो पे विदाउट पे पे ऐसे खींचाएगा आपका मामला, आप रिजाइन क्यों कर रहे हो आप। तो मैंने कहा यार ये जो जगह है ये नष्ट हो रही है, इन बच्चों को तो कौन देखेगा इनको, मैं तो छुट्टी लेके घर बैठा रहूँगा, इनका पीरियड खाली जाएगा, कोई भी फॉर्मल किसी को भी लगा देंगे जैसे आमतौर पर होता ही है कि कोई भी ले लेगा क्लास। तो मैंने कहा मुझसे बेहतर टैलेंटेड प्रोफेसर हैं जो सिर्फ एकेडमिशियंस है, प्योर एकेडमिशियंस है, ये जगह उनके लिए होनी चाहिए, मैं दाल रोटी भर तो मुझे मिली जाएगी कहीं भी यार। मॉडर्न आर्ट की जो परिभाषा है वो सुरेंद्र जोशी की नजरों में क्या है? जो समझ में नहीं आए वो मॉडर्न आर्ट है, ये तो हमारे भी समझ से परे, लेकिन यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि सुरेंद्र जोशी मॉडर्न आर्ट को किस नजरिए से देखते हैं। देखिए मैं सच बताऊं आपको, ये हमारे जो बड़े एकेडमिशियन हैं, क्रिटिक्स हैं, उन्होंने कुछ नाम, बड़े बड़े नाम क्रिएट कर दिए हैं। सच बात तो ये है जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी मॉडर्न, जो भी एब्स्ट्रैक्शन देख रहे हैं, धरती पे कुछ भी एब्स्ट्रैक्शन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ रियलिस्टिक है। आपकी नज़रों का फर्क है कि वो आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखता है और आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। आप कुदरत में आप जाओ ना, सब जगह आपको एब्स्ट्रैक्ट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव, सब एक साथ मिक्स मिलेंगी। आप उसको अपनी आंखों से लेयर कर करके अलग करते हो आप, अच्छा ये थोड़ा हमने इसको इसमें से निकाल के इधर कर दिया, इसको निकाल के इधर कर दिया। हाँ ये जरूर है कि कला जो है इमिटेशन नहीं है, एक 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 एज तक वो इमिटेशन है। आप उसको उसका सीखने के लिए आप जैसे कॉपी फॉर ओल्ड मास्टर्स होती हैं वो जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको कुछ एकेडमिक चीज़ों का ज्ञान हो जाए, प्रोपोर्शन का ज्ञान हो जाए, कलर्स का ज्ञान हो जाए, कैसे वो होता है। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है वो जर्नी आपकी टोटली इनोवेटिव है। उसमें अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे ना तो एक पुलिस के सिपाही की तरह से रिटायर्ड हो जाएंगे जिंदगी में, लेफ्ट राइट करते करते वो भी रिटायर हो जाते, पेंशन पे आ जाते बेचारा। तो लेफ्ट राइट नहीं करनी, उसमें जंप लेने, गिरोगे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, घर वाले क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी मम्मी पापा आपको पसंद नहीं आएगा, परवाह मत। आप बस सिर्फ आप ये देखो कि मुझे जो करना है वो करना है जो अभी तक नहीं हुआ है, उससे आगे शुरुआत करनी है, फिर आप उसका आनंद देखना, वो आनंद आपको ऐसा मिलेगा कि आपको ऊपर सरस्वती से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत खूब। अब पूर्णिमा जी क्योंकि खुद कलाकार हैं और ये कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी जरूर। एक स्टूडेंट ऑफ आर्ट में आपसे कुछ टेक्निकल आपके वर्क के बारे में बात करना चाहूँगी कि आई नो यू वर इंस्पायर्ड बाय वैन गॉग एंड पिकासो, पर आपने शुरुआती दौर में अपना कुछ वॉश टेक्निक में पेंटिंग फिगरेटिवली बनाई है, वी हैव सीन दैट, एंड फिर हम देखते हैं आपने फाउंड टेक्सचर एंड क्रिएटिव टेक्सचर्स पे काम किया, उसके बाद हम अचानक सुनते हैं आप यूरोप्स पे आ गए एंड वन फाइन मॉर्निंग वी सी यू कि आप इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, तो इतनी वैरायटी ऑफ वर्क यू हैव डन, इंस्टॉलेशंस, यूरोप्स, रिलीफ वर्क एंड सो मेनी थिंग्स, एंड अल्टीमेटली लास्ट में हम देखते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के और आपकी नज़र टिकती है कि कम टू अ सेफ्टी पिन, अ टाइनी सेफ्टी पिन। देखिए मेरी जो शुरुआत हुई थी मैंने बताया था आपसे
कि बहुत रियलिस्टिक वे में थी, तो मुझे वॉश पेंटिंग, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ बंगाल स्कूल से ओरिएंटेड कुछ प्रोफेसर थे एक दो, खासतौर से बी एन आर्य साहब का नीचे कर पाऊँगा, तो वॉश पेंटिंग के बड़े मास्टर आदमी थे और आज भी है वो, अभी तो खैर जीवित नहीं रहे हैं। तो मैंने वॉश पेंटिंग उनसे सीखी और मैंने वॉश पेंटिंग करीब 10-15 बनाई, मैंने बड़े साइज की भी बनाई है, जिसमें से मेरे पास मात्र दो बची हुई और वो कई लोग उसको खरीदने के लिए 10 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनको सेल नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरी पहचान है ओरिजिनल में, आपने वो नहीं देखी होती तो आज ये बात आप नहीं कर रहे होते, है ना। तो वॉश पेंटिंग से मेरी शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद मेरा म्यूरल में बड़ा मन था, म्यूरल में मन था कि पता नहीं क्यों म्यूरल से मेरा लगाव था मुझे, लेकिन मैंने जब मैंने पूछा पढ़ा इधर उधर देखा तो पता लगा म्यूरल बनाने में सबसे एक्सपर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी तो सतीश गुजराल थे, हुसैन साहब वर्ल्ड टाइम पेंटर थे, वो तो कुछ भी बना देते थे। तो मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा था जब लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, तो पता लगा मौर्य सेरेटन नया होटल बनाए 82 की बात है दिल्ली में, और सेरेटन उस जमाने में दिल्ली का सबसे खूबसूरत होटल हुआ करता था। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ हुसैन साहब और कृष्ण खन्ना म्यूरल बना रहे, तो आप बच्चे सब जानते होंगे कृष्ण खन्ना जी को, हुसैन साहब को, तो म्यूरल बना रहे, तो मुझे लगा कि यार ये तो चले जाएंगे बना के, मुझे तो कल परसों ही निकलना चाहिए यहाँ से। हमने ये भी सुना है कि आप झूठ बोल के भी हुसैन साहब से मिलने गए थे, ही वाज सो फॉन्ड ऑफ हिम। हाँ, तो हुआ ये कि असल में हुसैन साहब को पढ़ना, उनके बारे में जानकारी मुझे मिलती नहीं थी कहीं, तो मैं क्या करता था हटवाड़ा जो लगता है ना उसमें जो हुसैन साहब के जो इंटरव्यू आया करते मैगजीनों में, तो एक हफ्ते के बाद वो 50 पैसे में वो कॉपी मिल जाती थी, तो वो कॉपी वो वहाँ से लेके उठा के मैंने कम से कम नहीं भी तो 40-50 कॉपी का कलेक्शन मेरे पास मैगजीन का होता था, और मैं वो खबरें अपने प्रोफेसर साहब को जो कॉलेज में सुनाता था, तो स्टूडेंट भी सुनते थे मेरे दोस्त, तो मैं खबरों से तो लैस रहता था। मैं एक दिन पता लगा कि हुसैन साहब लखनऊ आए हुए, खबर आई, और क्लास अवध जो होटल है जैसे यहाँ क्लार मेरे इन्हीं की चेन है, उस होटल में वो रुके हुए, दिन की 1 बजे की बात थी, बरसात का महीना जो मतलब जुलाई अगस्त का महीना था, तो मैंने अपने एक दोस्त को जो वो भी हुसैन साहब को बहुत पसंद करते थे उनको मैंने साथ में लिया, मैंने कहा यार आज हुसैन साहब के दर्शन करने यार कैसे भी यार अपने तो यार तो गॉड है। तो हुआ ये कि 11 बजे हम वहाँ लाइन में खड़े हुए होटल के सामने खड़े हो गए, सरचार्ज कार पार्किंग होती थी, और खड़े होते होते करीब 2 बज गए, बरसात शुरू हो गई, हम तर तर बदर हो गए, इमली का पेड़ था उसके नीचे खड़े रहे थोड़ा छिप छुप छुप के, वो तो छोड़ने चला गया मेरा दोस्त कि भैया तो तुम्हारा मैं तुम जा। 2 बजे के आसपास अंदर से एक काली कार आती है और सफेद पजामा कुर्ते में जो है हुसैन साहब आते हैं, छाता लेके, कोई छाता उनके साथ रहता है, टक से वो बैठते हैं, आधा मिनट देखा मैंने उनको, फिर मेरे मुझे तस्वीर दी, तो वो किस्सा तो ये था जो आपको सुनिए। तो खैर जब मैं मौर्य सेरेटन होटल जाने लगा मैं वो म्यूरल देखने के लिए, तो मैं जब होटल के सामने पहुंचा तो मैंने होटल का जब वो पूरा एम्बियंस देखा तो घबरा गया कि मैं कैसे जाऊँगा, मेरे तो औकात ही नहीं अंदर जाने की, पैंट भी मेरी ऐसी जेबें फटी छटी थी, मैंने बताया ना कि जो है मेरी माँ थी वही तो मेरा सपोर्ट थी। तो वहाँ जब मैं गया अंदर क्या गया तो मुझे वहाँ का जो ग्रीनरी थी वो मुझे डराने लगी, मुझे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, तो जैसे टांगे के घोड़े के ये नहीं लगे होते इधर इधर, मैंने भी अपने ऐसे कर लिए आँखों पर, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं देखूँगा, मैं मुझे तो सिर्फ होटल के गेट पर जाना है। तो मैं होटल के गेट पर जब पहुँचा तो वहाँ 7 फीट लंबा जो संतरी होता है ना बॉडी बनी मुझे उसकी, उसको देख के तो आधा तो वैसे ही लग गया था, ये तो मुझे कुछ नहीं होगा। तब जाके मुझे लगा कि यार अच्छे काम के लिए अगर थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़े अपने काम के लिए जिसमें किसी का नुकसान ना हो तो वो मुझे करना पड़ेगा, तभी मेरा एम पूरा होगा, नहीं तो मेरा अधूरा। अच्छा विदाउट टिकट आया लखनऊ से, पैसे थे नहीं, अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरा तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है ना। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो गेट उसने सीधे अंदर घुसने लगा, उसने हाथ पकड़ लिया मेरा, ये रहो कहाँ जा रहे हो,
तो अहमद हुसैन को नहीं जानते हो क्या? कौन अहमद हुसैन? तो मैंने चित्रकार को भी नहीं जानते जो अंदर काम चल रहा है। मैंने कहा यार कैसी, मैंने कहा अंकल कैसी बात कर रहे हो आप? अच्छा 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 वो सभी दाढ़ी वाले। हाँ, मैंने कहा मैं उनका शिष्य चेला हूँ, उनको मेरी ज़रूरत है और मुझे उनको सेवाएँ देनी है, उनकी सेवा के लिए आया हूँ मैं। और उसने मुझे जब अंदर जाने दिया तो ये समझ लो कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मुझे ऐसा लगा। और अंदर दो तीन वो मैनेजर जो होते ना वो लगाए गए, वो मेरे आगे पीछे आए, उनको भी लगा कि यार ये गलती से आ गए यहाँ, ये तो इसकी जगह तो यहाँ है ही नहीं, कि भैया हम बताओ क्या बात है। तो मैंने उनको दिल की बात बताई कि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, बड़ी मुश्किल हुसैन साहब से भी मिलने आया, वो मेरे गुरु हैं, मैं और मैं क्या मैं दो मिनट बैठ सकता हूँ या पानी मिल जाएगा मुझे पीने को? गला बहुत सूख गया था मेरा, तो उन्होंने जो पानी भी पिलाया, चाय भी मेरे आगे रखी, उस जमाने की बात है तो उनको फ्री चाय भी नहीं देता। तो फिर मैं दो घंटे वहाँ बैठा, हुसैन साहब तो मिले नहीं, कृष्ण खन्ना जी भी नहीं मिले, लेकिन उनकी रचना संसार मुझे मिल गया। तो मेरी शुरुआत म्यूरल की वहाँ से शुरू। यू वर इंस्पायर्ड विद दिस म्यूरल वर्क और बोल्ड स्ट्रोक्स ऑफ हुसैन। बट टेक्निकली आप हमें ये बताए कि हाउ डिड यू कम टू द सेफ्टी पिन? आपका सेफ्टी पिन से बना वो पानी का बहता झरना देखा आपने, सो कूल एंड यू हैव उसका उसकी दो चीजें उसमें जुड़ेंगी। एक तो ये थी कि जब मैं गांव में था छोटा, तो अब वहाँ माँ लोग क्या करती थी, गुड़ के साथ चाय पीती थी, गुड़ होते ना कक्का में चाय पीती थी, जो गुड़ बच जाता था वो गांठ पे बांध देती थी और दूसरी गांठ पे पीने लटकी हुई होती थी दो चार, है वो किस्सा वो था। तो ये तो वो तो पीने का साक्षात्कार तो बचपन से ही था। दूसरी बात, जब मैं ये जो डिजास्टर हुआ उत्तराखंड के अंदर, उस डिजास्टर में क्या हुआ कि मैं घर से लड़के बाकायदा इन्होंने कहा कि वहाँ लोग भाग रहे नीचे आ रहे हैं और तुम वापस ऊपर जा रहे हो, ये क्या मतलब जो है ना। तो मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा गांव बह गए थे, मतलब महिलाओं के हस्बैंड का पता नहीं, उनके बच्चे खत्म हो गए, बह गए सब, और एक गांव की सिर्फ 5 महिलाएं बची हैं और जिस टापू में वो बैठी हुई हैं उसके पीछे 100 फीट गहरा पानी, बगल में 100 फीट गहरा पानी, इधर 100 फीट गहरा पानी, और वो मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब ऊपर वाला अपने मारेगा। खाने पानी पी नहीं सकती, पानी है नहीं ना पीने, कुछ है नहीं। तो और शरीर के कपड़े उनके करीब करीब आधे कपड़े उनके शरीर पे नहीं है, और जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ उन्होंने सेफ्टी पिन से उसको जोड़ रखा। और वो मैं किससे देख रहा था, मेरे हाई डेफिनेशन मेरे पास कैनन Mark IV कैमरा था मेरे पास, उसके जूम से टेली से मैं उनको देख पा रहा दूर से, वो सारी डिटेल में तब देख पाया, नहीं तो मैं उनके भी नहीं जा सकता था। तो इतनी देर में क्या होता है, 2 घंटे के बाद आसमान में से काले बादलों में से काले बादल मतलब बरसात के उसमें से धड़धड़ 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 आवाज़ आती है। मैंने कहा आवाज़ कैसी आ रही? देखा एक हेलीकॉप्टर उतर रहा ऊपर से उनको रेस्क्यू करने के लिए, और वो जो हेलीकॉप्टर उतर रहा है उसने नीचे उतरा, रस्सी छोड़ी, ऊपर से जो सिपाही था वो उतरा, एक 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 को इस उसमें पकड़ा, एक को इसमें पकड़ा, और दोनों को लेके ऊपर उसने लिफ्ट किया, फिर दोबारा राउंड लिया उसने, फिर बाकी 2 महिलाओं को फिर ले गया, ऐसे करके 5 को वो जब वो ले गया तो मैंने कहा कि यार ये जो हेलीकॉप्टर है इसको ये जो है बिल्कुल ये तो आदमी से इंसान से ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, और सब लोग सैल्यूट करते हैं, अफसर्स को करते हैं, मिनिस्टर को करते हैं, एम्बेसडर को करते हैं, मशीन को कौन सैल्यूट करता है? तो ये मेरी सैल्यूट थी इस हेलीकॉप्टर के लिए। दिस वाज योर हेलीकॉप्टर व्हिच इज नाउडेज इट इज इन देहरादून, दिस वाज योर सैल्यूट। और इसको और हमें ये भी मालूम पड़ा है कि आप उस हेलीकॉप्टर को बनाने से पहले यू वेंट ऑल द वे टू बेंगलुरु। जी जी जी, असल में क्या है, देखिए असल में क्या है, अगर आपके अंदर कहीं ईमानदारी है कि मुझे चीज़ बनानी है तो मुझे वैसी बनानी चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे भी कोई डिस्कार्ड नहीं करे उसको। तो मैंने पहले तो जितने चॉपर मुझे मिलते गए दिल्ली से लेके देहरादून के बीच में,
उनकी करीब 3-4 हज़ार फोटोग्राफी की नहीं मजा आया। फिर मैं ACL गया जहाँ हेलीकॉप्टर बनता है, परमिशन ली CM साहब से और वहाँ उनके इंजीनियर्स के साथ बैठा 3-4 दिन, उनके पूरे हेलीकॉप्टर की एक एक चीज़ को स्टडी किया। आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मुझे मशीन के पैसे कोई दे दे तो मेरा आज पर्सनल हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कलाकार का जो समाज में दायित्व है, उसके साथ साथ में आप इन युवाओं को, जो युवा लड़कियां बैठी हैं, दूसरे हमारे साथी बैठे हैं, उन्हें क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो अभी तक कन्वेंशनल सोच चल रही है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, और अच्छी बात है, उसकी अपनी जगह जरूरत है, ये बच्चे उस अनकन्वेंशनल सोच की तरफ से अपने आप को मोड़ना शुरू कर दे। और जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये एक जो पूरा जो उनका एम्बियंस है उससे उसको तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैडम ने बताया कि आज पहले ज़माने में तो क्या है, गुरु का इंतजार होता था, महीनों तक गुरु की इंतजार करते थे तब कोई एक वाक्य उनके मुँह से निकलता था। आज मेरा कारपेंटर मुझे बोलता है कि सर आज का भगवान तो गूगल है, जो मांगो सब देता है, कारपेंटर बोलता है। सोचो आप, तो गूगल का, इंटरनेट का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को वही करना चाहिए जो करना चाहता है, उसका जितना पॉजिटिव आप करेंगे। दूसरी चीज़ आप में देखिए, आप जब पूरा दुनिया का आर्ट देखिए, आप अपने आसपास का आर्ट तो देखते ही हैं, पूरा दुनिया का आर्ट देखिए और उस दुनिया के आर्ट को आप अपने से कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने से कनेक्ट कीजिए ताकि वो आपका अपना हो जाए। और वो उसके लिए आपको सारी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए, देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, जिस चीज़ को आज आप प्लान कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि आपका 2 महीने में होगा, हो सकता 5 साल बाद, क्योंकि जब तक आप पकाएंगे नहीं अपने आप को, जैसे होता है ना ठंडी आंच में चीज जो पकती है बड़ी मीठी स्वादिष्ट होती है, वैसे हमको भी अपने को पकाना पड़ता है। इसकी तरह नहीं, मतलब जानवरों की तरह नहीं, उछल कूद कर रहे, अभी कभी यहाँ उछल रहे, कभी उधर उछल रहे, उसमें वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत बड़ा एक बात है जो मुझे भी परेशान करती, आज भी करती है, वो ये है कि कलाकार जब काम कर रहा होता है उसको पता नहीं होता कि ब्रेक कहाँ लगेगा, अनजाने में ब्रेक कहीं भी लगा देता है और सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपको पता हो कि ब्रेक मुझे यहाँ लगाना है तो आप सेफ जाएगा, सेफ एंड पीस का, और अगर आपने गलत जगह ब्रेक लगा दिया तो आप समझ सकते हैं। आर्ट में ये बहुत होता है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, मेरे से गलतियाँ होती हैं कि मैं कई बार खुद ही ब्रेक लगाने में गलती कर जाता हूँ, फिर लौट के आता हूँ वापस बैक गियर पे, तब जाके फिर उसको ठीक करता हूँ। तो ये जो बातें हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। और जब भी आप कोई बड़ा आप काम करेंगे तो आपको ये बातें जब आपके याद रहेंगी तो आपसे गलतियाँ कुछ कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है, जिन लोगों ने बड़े बड़े महान काम किए हैं उनको स्टडी कीजिए कि उन्होंने कैसे बाउंड्रीज तोड़ी होंगी। मुझे आप ये बताइए कि थे ना जिन्होंने वो टॉयलेट बनाया था, के आर्टिस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, पहला इंस्टॉलेशन दो ढाई महीने से मेरी मदद ऐसी चल रही, तो मैं भूल जाता हूँ, तो उन्होंने 1962 में पहला इंस्टॉलेशन बनाया था। और बनाया क्या था उन्होंने, एक्चुअली वो उस समय जो पेंटिंग्स बनती थी
वो ऐसी बनती थी कि एक एक रॉयल फैमिली का आदमी जो है हिरन को मार रहा है, शिकार कर रहा है, शेर का शिकार कर रहा है, और पूरी इस तरह की लग्जरियस पेंटिंग्स बनती थी। वो बड़ा रिवोल्यूशनरी आर्टिस्ट था जो तुषार की बात कर रहे हैं, वो बड़ा रिवोल्यूशनरी था। उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसी तैसी इन सारे कलाकारों की मैं अभी नई चीज क्रिएट करता हूँ। सेंस आउट ऑफ नॉनसेंस, सेंस आउट ऑफ नॉनसेंस, ये उनका बाइवर्ड था, बाइवर्ड था उनका। तो उन्होंने उस समय सीट जो थी टॉयलेट हॉल उसको इंस्टॉलेशन के रूप में गैलरी में लगा दिया, बड़ी गैलरी, वेरी फैंसी गैलरी में लगा दिया। और जब वहाँ लगाया तो सारा मीडिया जो है, पूरा मीडिया उनके पीछे लग गया, बातें करने लग गया। और ये जो 100 करोड़ जो बड़े आर्टिस्ट थे, जो उससे भी बड़े नाम थे, उन सब का जिक्र खत्म अगले दिन मीडिया में, और उसका हो गया। और आज की डेट में वो हिस्ट्री में है। आज उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री में अगर आप आगे जाएंगे तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बात अच्छे और बुरे की नहीं है, बात ये कि आपने एक नई लैंग्वेज क्रिएट की है, एक नई लैंग्वेज क्रिएट की है। ये जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं ये भी तो कभी क्रिएट हुई थी ना, आदि मानव से बाहर जब हम निकले थे तो जिसने ये क्रिएट की होगी उस समय तो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। आज क्या स्थिति बताओ। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें। आपने जो भी हमारे युवा साथियों को जो जानकारी हमें दी, हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। और डायलॉग्स का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप जोशी जी से जरूर पूछ सकते हैं, और जरूर पूछें।